वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइबर सिक्योरिटी क्या है। इस टॉपिक पे हम लोग बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से बात करेंगे। और ये ट्रिपल सी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर 9। और ये हमारा लास्ट क्लास है ट्रिपल सी का, जो न्यू सिलेबस है। स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं RITI चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की जानकारी आगे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो क्या है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे कि देखिए, जो ये आपका कोर्स है चैप्टर 9, उसमें आपको साइबर सिक्योरिटी में मैं ये वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना हिस्सा इसका। तो इसमें आप पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है और अपने मोबाइल और PC को कैसे सिक्योर कर सकते है। इसके पहले का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होते हैं। किसी भी कंप्यूटर का किसी क्राइम लोकेशन पर मिलना या कंप्यूटर से कोई क्राइम करना कंप्यूटर क्राइम कहलाता है। किसी भी पर्सनल जानकारी को प्राप्त करना, उसका गलत इस्तेमाल करना, किसी पर्सनल जानकारी को कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो ये आपको समझ में आ गया। कंप्यूटर क्राइम कई तरह से हो सकते हैं, जानकारी चुरा लेना, जानकारी को मिटा देना, जानकारी में बदलाव कर देना, कोई पर्सनल डिटेल मिटा देना, बना देना, नया कर देना, उसका कुछ इंफॉर्मेशन चोरी कर लेना, उसे कुछ नष्ट कर देना। साइबर क्राइम कई तरह, जैसे स्मेल, यहाँ पे स्पैम ईमेल होता है, लोगों को हम गलत ईमेल भेज रहे हो, हैकिंग कर लेना, फिशिंग करना, वायरस डाल देना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त कर किसी पर हर वक्त नजर रखना, ये सभी साइबर क्राइम के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। अब आप सिंपल भाषा में समझे तो साइबर क्राइम के अंतर्गत हैकिंग के जरिए आपके कंप्यूटर नेटवर्क में जाकर आपकी पर्सनल जानकारी को चुरा लेना, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी कुछ आएगा आपके साइबर क्राइम के अंतर्गत। तो जो साइबर सिक्योरिटी है, यानी इसे बचाव कैसे किया सकता है, इसको हम लोग बात करेंगे। यानी साइबर क्या है, साइबर क्राइम क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पहले एक बार लॉ को देख लेते हैं। साइबर लॉ क्या है, जो है क्या कहता है। भारत में साइबर लॉ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था। यह भारत का प्राथमिक कानून है जिसका काम साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटना। यह बिल 2000 में पास हुआ था। यह क्वेश्चन CCC में अक्सर पूछा गया है, तो आपको याद रखना है साइबर लॉ जो हमारा है वो 2000 का एक्ट है। 9 मई 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा इसे हस्ताक्षर करके किया गया था। इस बिल को अंतरिम रूप से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रमोद महाजन के हिस्से में आधिकारिक रूप से लाया गया था, जिसमें धारा 66A, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ। एक ही शुरुआत की गई है जिसमें ऑफेंसिव मैसेज भेजने पर दंडित किया जाएगा। इसमें 69 भी पेश की गई जिसमें अधिकारियों को किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के अवरोध, निगरानी, इंक्रिप्टिंग की शक्ति दी गई है। यह 22 दिसंबर 2008 को लोकसभा पारित किया दिया गया और अगले दिन यह राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। और इस पर 5 फरवरी 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने लागू कर दिया। साइबर कितने प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ पे थ्रेडिंग, तो साइबर सिक्योरिटी में यहाँ पे देखिए कई तरह से लोग आपकी इंफॉर्मेशन की चोरी करते हैं। एक तो वायरस डाल करके आपके कंप्यूटर में आपकी सूचनाओं को, आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, ये भी एक प्रकार का साइबर जो है आप क्राइम आता है। यहाँ से भी हम लोग सोशल मीडिया, वेबसाइट, इंस्टाग्राम के थ्रू व्यक्ति की जानकारी चोरी करते हैं, पिक्चर चोरी करते हैं, तो ये भी प्रकार का साइबर क्राइम है। पासवर्ड अटैकर, यह एक प्रकार का साइबर सिक्योरिटी खतरा है जिसमें यूजर के पासवर्ड को क्रैक करके हैकर द्वारा हैकिंग का प्रयास शामिल है। हैकिंग टूल की सहायता से हैकर पीड़ित खाते से क्रेडिट कर सकता है। साइबर एंड की लॉगर के द्वारा
यानी कि स्पाईवेयर और कीलॉगर, ये एक प्रकार का टूल है जो आपके कंप्यूटर में लगा करके पेन ड्राइव की तरह इन्फॉर्मेशन होता है और ये आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेता है। जैसे आप किसी वेबसाइट में कोई पासवर्ड डाल रहे हैं और या अपने अकाउंट की डिटेल डाल रहे हैं तो वो चोरी हो जाएगा। इसका प्रयोग कई बार एटीएम में भी किया गया है। ट्रोजन हॉर्स ये प्रकार का वायरस है और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में आकर के हमारे सूचनाओं, हमारे फाइलों को नुकसान पहुंचाता है, डिलीट कर देता है। रैंसम वेयर ये अभी जल्दी में आया था, 2 साल पहले लगभग, सबसे खतरनाक वायरस में से भी एक वायरस है और इसने पहली बार वसूली का काम शुरू किया। यानी आपके कंप्यूटर में वायरस डाल देगा, आपका कंप्यूटर सारा लॉक हो जाएगा और जब तक आप इन्हें पेमेंट नहीं करेंगे तब तक ये आपसे पैसा, आपका जो कंप्यूटर है उसे लॉक नहीं ओपन करेंगे। ज्यादातर इसका अटैक जो है उसके बाद में लोग काफी सतर्क हो गए। फिशिंग ईमेल, फिशिंग ईमेल का उपयोग आमतौर पर यूजर से निजी जानकारी चुराने के लिए किया जाता है, जबकि स्पैम ईमेल का उपयोग आमतौर पर इंटरनेट पर एक ही मैसेज के कई कॉपी बहा देने से किया जाता है, जिससे कंप्यूटर आपका जो है हैंग हो जाता है और आप इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एडवेयर, एडवेयर मालवेयर का एक समूह है जो पॉपअप उत्पन्न करके या यूजर उस अतिरिक्त सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है तो आपके डेटा को डिलीट कर सकता है, चोरी कर सकता है। इस तरीके से ये आपको बहुत सारा वेबसाइट पर एक पॉपअप मिलता है, जैसे आप कोई चीज ओपन करेंगे तो कुछ और ओपन हो जाएगा, वो पॉपअप कहलाता है, वो एडवेयर होता है आपके। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये याद हो जाएगा। अब बात करेंगे कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी यानी कि हमारे मोबाइल में, हमारे पीसी में किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं, साइबर क्राइम से जो साइबर क्राइम है यानी जो लोग कर रहे हैं उनसे बचने के लिए हमें एंटीवायरस की आवश्यकता होती है। मैं आपको यहाँ पे कुछ फ्री एंटीवायरस के बारे में बता रहा हूँ। आप एबीजी, पांडा, अविरा, अवास्ट, ये बेस्ट एंटीवायरस है। आप इन्हें अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके, इन पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर एक्टिवेट हो जाता है, ये आपको साल भर के लिए फ्री हो जाता है। तो आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही, आप मोबाइल में भी इसको यूज कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई कहीं भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा ताकि सबके तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।